जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी। ये हो क्या गया है? नहीं सर, मैं आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है? लैंड है ये। आइए तब एक एक चीज जो हो गया है कसम मोबाइल पर देखने लगा है, लेकिन जरा बोलिए, जरा अपने राज्य की भाषा में बोलिए ना, हर चीज में आप शुरू कर दे रहे हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप से पहले आज राजधानी पटना के बापू सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित बिहार के तमाम बड़े अधिकारी किसानों से सुझाव ले रहे थे। राज्य के अलग अलग हिस्सों से 5000 के करीब किसान पटना के बापू सभागार नीतीश कुमार को सुझाव देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान लखीसराय के किसान ने अंग्रेजी में क्या कुछ शब्द कह दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुले मंच से ही गुस्से में लाल हो गए। नीतीश कुमार ने कहा कि अरे ये बिहार है ना जी, बिहार वाला भाषा बोलिए, इंग्लैंड नहीं ना है। देखिए, दरअसल अमित सिंह जो लखीसराय के किसान हैं, वो भी राजधानी पटना के बापू सभागार पहुंचे थे। बापू सभागार पहुंचकर अमित सिंह खुले मंच से किसानों को अपनी बातें बता रहे थे। इस दौरान कुछ छोटी मोटी शब्दों का इस्तेमाल वो अंग्रेजी में कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जैसे सीएम नीतीश कुमार ने इस पर गौर किया, तुरंत ही माइक में नीतीश कुमार उन्हें रोकते हुए कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो जी, बिहार है ना। दरअसल क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अंग्रेजी से इतनी नफरत है? अगर नफरत है तो क्या बिहार के किसान अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं? नीतीश कुमार जो बातें अमित सिंह को कह रहे थे, ये देखकर यही लगता है। क्या नीतीश कुमार इस बात को लेकर काफी नाराज हैं कि बिहार के किसान अंग्रेजी बोलने लगे हैं? अगर ऐसा है तो शायद बिहार के लोगों को लेकर, बिहारियों को लेकर, बिहार के बच्चों के शिक्षा को लेकर, बिहार के किसानों के शिक्षा को लेकर और उनके साक्षरता को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी लोगों को रास नहीं आने वाली है। नीतीश कुमार ने जिस लहजे से खुले मंच पर किसान अमित सिंह को रोककर कहा कि बिहार वाला भाषा बोलिए, तो शायद आप सुनकर यही कहेंगे ये क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जरा पहले वो वीडियो देखिए आप, फिर आपको आगे बताएंगे। एक इंसेंटिवाइजेशन का मॉडल लाए जहां पे ट्रेनिंग से लेकर प्रोडक्शन तक किसानों को इंसेंटिवाइज किया जाए ताकि वो हर स्टेज को अच्छे से आगे बढ़कर पूरा कर सके। ट्रेनिंग एक शुरुआत है, बट ट्रेनिंग के बाद क्या है? तो ट्रेनिंग के बाद अगर हर एक मॉडल पे जो भी स्कीम है, यहाँ पे काफी प्रबुद्ध लोग हैं, डेफिनेटली दे कैन ड्राइव जहाँ पे एक इंसेंटिवाइजेशन मॉडल हो और उस मॉडल में किसान को हर स्टेज पे इन्वॉल्व किया जा सके। सो दैट अभी हमने सर बिहार नंबर वन प्रोडक्शन में आ गया, 28,000 मीट्रिक टन हमने प्रोडक्शन लिया, बस उस प्रोडक्शन को हमने कंज्यूम कितना किया, दैट इज द रियल डेटा। अगर वो कंज्यूम ना होकर अगर वेस्ट हुआ है तो वो प्रोडक्शन हमारे किसी काम का नहीं। हेलो, एक बात हम जरा कहना चाहते हैं, क्या है ये बिहार ना है जी? जी सर, आप लोग जितना बोल रहे हैं सब अंग्रेजी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी। ये हो क्या गया है? नहीं सर, मैं अपने राज्य के लिए और अपने देश के हिंदी शब्द को भूल जाइए जी। नहीं सर, बिल्कुल शुद्ध बिहारी हूं। लग रहा है सबको बिना मतलब से बोलते हुए, कोई बात नहीं सर। बात खेती करते हैं जी, तो खेती तो आम आदमी करता है जी। अब आपको यहाँ बुलाया गया सुझाव देने के लिए, तो आप आधा से आधा अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है? ये भारत है ना जी, अब बोलिए, बिहार है ना, तो इसीलिए हम देख रहे हैं आजकल ये हो क्या गया है। जब से कोरोना आया है आई तब से एक एक चीज जो हो गया है कसम मोबाइल पर देखने लगा है तो सब अपना पुरानी भाषा को भूल रहा है। आई नया नया शब्द बोल रहा है, जो पुराना चीज को भूल रहा है। बिल्कुल क्षमा चाहूंगा सर, तो इसलिए जरा बोलिए ठीक से, बोल ठीक रहे हैं, लेकिन जरा बोलिए, जरा अपने राज्य की भाषा में बोलिए ना, तो हर चीज में आप शुरू कर दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। तो देखा आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे मंच पर भड़क गए, छोटी मोटी शब्दों का इस्तेमाल तो कर रहे थे किसान अमित सिंह, लेकिन अंग्रेजी से नफरत है नीतीश कुमार को, ये तो सही है,
लेकिन अगर बिहार का किसान अंग्रेजी बोलता है तो नीतीश कुमार को इतनी नफरत क्यों हो रही है। नीतीश कुमार जो बातें कह रहे थे उसमें यह भी कह रहे थे कि खेती किसानी कौन करता है जी, यानी क्या किसानी करने वाले लोग अनपढ़ होते हैं, क्या उन्हें अंग्रेजी की जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्या अगर वो शिक्षित हैं तो किसानी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के इन शब्दों से आप क्या समझते हैं, नीतीश कुमार के इन बातों पर आप क्या विचार करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।